मौसम बहुत ही ज़्यादा प्यारा बना हुआ है। अभी सुबह से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और जैसे ही बारिश रुका तो हम चल दिए 7 किलो, 7 किलो जो कि समानु के आगे है। हेलो एवरीवन, नमस्ते जुजू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो त्रिपुरा से एक और नए व्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज हम जाएंगे 7 किलो जो कि समनु से केवल 7 किलोमीटर की दूरी पे है। तो जाते वक्त रास्ते में हम काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने वाले हैं, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। तो समनु के रास्ते में ही एक बहुत नामी चकमा रेस्टोरेंट जिसका नाम तोंगोर है, तो वो हमें दिख गया। तो मेरा काफ़ी मन था कि मैं जब भी त्रिपुरा जाऊं तो मैं यहाँ पे खाना ज़रूर खाऊं। तो गाड़ी को कुछ दूर पार्क करके हम रेस्टोरेंट के अंदर अभी जाने लगे हैं। तो हम तो वैसे ही ब्रेकफास्ट करके आए थे, फिर भी हमने सोचा कि लाइट कुछ खा पी लेंगे, तो इसीलिए हमने सोचा कि चलो चल के देखते। मेरा जो काफ़ी मन था जो पहले से ही, वो भी पूरा हो जाएगा, तो इसीलिए हम जा रहे हैं। और जैसे ही हम एंटर हुए काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो रेस्टोरेंट जो है काफ़ी अच्छा लोकेशन पे है, शोर शराबे से बिल्कुल ही दूर है। अपने फ्रेंड के साथ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ डेट पे आना चाहो, सुकून से बैठ के आप खाना खा सकते हैं। और ये देखिए अभी हम अंदर जा रहे हैं चप्पल उतार के। तो जैसे ही हम अंदर गए, वहाँ जाके मुझे दिखा कि 4 टेबल है जिस पर आप खाना बैठ के खा सकते हो, उसके अलावा एक वेटिंग के लिए चेयर सोफ़ा सेट रखा हुआ था। छोटा है फिर भी बहुत अच्छे से सजाया हुआ रखा हुआ था, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो 9:30 बजे का टाइम था और सुबह सुबह अभी पूजा कर ही रहे थे, पर हम कुछ खाए बिना ही चले आए थे क्योंकि मुझे ऐसा लगा जैसे ओनर जो है बहुत वेलकमिंग नहीं था। उन्होंने हमें पूछा भी नहीं, आओ बैठो, कुछ खाओ पियोगे, क्या चाहिए, कुछ भी नहीं पूछा। और हमें ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी और के घर पर बिना बताए गए हैं, और वहाँ जाके बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट फील हो रही थी, तो इसीलिए हम कुछ बिना खाए पे ही वापस आ गए। और ये देखिए बचपन की याद, बच्चे जो खेल रहे हैं अभी। आराम बचा पूरा मामा से लाली फुपुरी सांमा था ना बांगाल आदम बता नहीं तो बांगाल देखो बांगाल Yeah.
कार को मार्केट से बाहर पार्क करके हम चले अभी मार्केट को, थोड़ा सा मार्केट में टहलने के लिए, क्या क्या है, क्या क्या मिलता है, वो सब चीज़ देखने के लिए। तो इतना कुछ खास तो नहीं था, क्योंकि जैसे कहीं भी जाओ आप तो उसी तरीके का मार्केट, उसी तरीके का बेचने वाले और ख़रीदने वाले आपको मिल जाएंगे। लेकिन कुछ जगह होते हैं जो अलग अलग चीज़ें मिलता है, सपोज़ सब्जी वगैरह में, जैसे ट्रैवल लोग जो खाना पसंद करते हैं वो थोड़ा अलग होते हैं, और बाकी लोग जो पसंद करते हैं वो थोड़ा अलग है। जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये है ड्राई फिश का मार्केट, जहाँ पे केवल ड्राई फिश मिलता है, जो कि हम लोग ट्रैवल लोग खाते हैं, बहुत पसंद करते हैं, और बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या बोलते हैं ड्राई फिश आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके अलावा बाकी सब सेम, वही सब्जी है, वही सब चीज़ें हैं। और ये देखिए, ये है ड्राई श्रिम्प, और बाकी सब ऐसे ही है मार्केट नॉर्मली जो होता है ना, वही सब सब्जी वगैरह, आलू बैंगन प्याज टमाटर, वही सब चीज़ें हैं और कुछ खास नहीं। तो फिर भी हम पहली बार आए हैं, तो हमने सोचा कि चलो हम घूम घाम के जाते हैं, देख दाख के जाते हैं, और यहीं से आजू और बेबे के लिए कुछ सामान खरीद के लेके जाने वाले हैं यहाँ से। कुछ खास तो हमें मिला नहीं यहाँ से लेने के लिए, लेकिन आजू और बेबे के लिए हमने कुछ खाने पीने का सामान यहाँ से ख़रीदा है, क्योंकि वो लोग जूम में रहते हैं और जूम और मार्केट में जल्दी आना जाना करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसी वजह से हमने कुछ खाने पीने के सामान ही ख़रीदा है, और मैंने यहाँ से अपने लिए साखा ख़रीदा है। साखा जो वाइट और रेड कलर के बैंगल्स बंगाली लोग शादी के बाद पहनते हैं, वो मैंने यहाँ से ख़रीदा है अपने लिए, बहुत सस्ते में मिल रहा था। मार्केट के बाद जो है रास्ते काफ़ी ख़राब मिले, कच्चे और पक्के रास्ते का मिक्सअप, छोटे नैरो रास्ता मिला। उसके बाद ऐसे ही मैंने बातों बातों में जीजा जी से पूछा कि 7 किलो को 7 किलो क्यों कहा जाता है, तो उन्होंने बताया क्योंकि सोमनो से केवल 7 किलोमीटर की दूरी पर जो है 7 किलो गांव है, तो इसी वजह से 7 किलो नाम दिया गया है। और उसी तरीके से बात करते करते देखिए हम जूम में पहुँच भी चुके हैं, और ये देखिए सामने दिखने वाला घर जो है वो मेरे आजू का घर है, यानी नाना ससुर का घर है। तो वो जूम में रहते हैं, उनका प्रॉपर घर जो है वो अलग गाँव में है, लेकिन वो यहाँ पर जूम पर रहते हैं। तो जूम घर क्या होता है वो हमारे अगले व्लॉग में आपको देखने मिलेगा। तब तक के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल फिर एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।